Assalamualaikum. This is Hadika Waleed. Hope you all are doing well. In this channel, I will upload all the videos related to education. As much as I have knowledge, I will try my best to share it with you. In today's video, I will tell you about TABA model of curriculum development. So, let's start. जी, तो अब हम सबसे पहले हिल्डा ताबा के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये थी कौन और इनका बिलीफ किस चीज़ पे था, इन्होंने किस चीज़ की बिना पे अपना करिकुलम जो था वो डेवलप किया था. तो ताबा मॉडल वाज डेवलप बाय हिल्डा ताबा. ठीक है, वो आर्किटेक्ट भी थी, करिकुलम थियरिस्ट भी थी, करिकुलम रिफॉर्मर भी थी और टीचर भी थी. ठीक है ना, ताबा का बिलीफ किस चीज़ पर था कि डैट देयर हैज़ टू बी अ डेफिनेट ऑर्डर इन क्रिएटिंग अ करिकुलम. मीन उसका कहना ये था, उसका बिलीफ इस चीज़ पर था कि एक करिकुलम को क्रिएट करने के लिए, करिकुलम को डेवलप करने के लिए कोई ना कोई क्लियरली स्टेटेड कोई ऑर्डर होता है या कोई हमारे माइंडसेट हमारा बनता है तो हम लोग करिकुलम को क्रिएट करते हैं, करिकुलम ऐसे ही नहीं क्रिएट हो जाते. ठीक हो गया जी. तो मैंने आप लोगों को ये चीज़ तो बता दी ना कि हिल्डा ताबा का बिलीफ किस चीज़ पर था. तो उसने एडवोकेट किस चीज़ पर किया था कि टीचर्स जो हैं वो करिकुलम को डेवलप करने के लिए एक इंडक्टिव अप्रोच यूज़ करें. ठीक है, इंडक्टिव अप्रोच वो चीज़ होती है जो कि हमारे स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ जाती है, ना कि कह लो कि डिडक्टिव अप्रोच यूज़ करें जिसमें हम लोग जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं. बेसिकली इसका जो माइंडसेट था, इसका भी पॉइंट ऑफ व्यू था, थोड़ा बहुत जो था वो स्किल बैक के मॉडल से वो रिलेट करता था, जिसमें टीचर्स को ज़्यादा दी जाती थी, उनका सेंट्रल रोल दिया जाता था कि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, सिचुएशन एनालिसिस में टीचर्स को आगे किया जाता था. बेसिकली इसका भी जो माइंडसेट था वो स्किल बैक का जैसा ही था, जिसमें कह लो कि इसने बेसिकली इस चीज़ पे जोर दिया था कि टीचर्स जो हैं वो इंडक्टिव अप्रोच में पहले पार्टिसिपेट करें, मीन अपने करिकुलम को डेवलप करने के लिए, फिर कह लो कि डिडक्टिव की तरफ जाएँ. तो हम लोग इसको देखते हैं कि शी एडवोकेट डैट टीचर्स टेक एन इंडक्टिव अप्रोच टू करिकुलम डेवलपमेंट विच मेंट स्टार्टिंग विद द स्पेसिफिक एंड बिल्डिंग टुवर्ड्स अ जर्नल डिज़ाइन रेदर देन द ट्रेडिशनल डिडक्टिव अप्रोच, जो कि हमारी स्टार्ट होती है पहले जर्नल डिज़ाइन से और फिर हमारी स्पेसिफिक की तरफ जाती है, जैसा कि टायलर मॉडल में था. ठीक है, हिल्डा ताबा ने फॉलो किया था ग्रास रूट्स अप्रोच को अपने करिकुलम को डेवलप करने के लिए. For her, it should be the teacher who should design the curriculum rather than the higher authorities. इसमें ये भी चीज़ थी, ओलिवा ने 1992 में क्या चीज़ कही थी कि टीचर वो होता है जो कि करिकुलम को डिज़ाइन करे, ना कि हायर अथॉरिटीज़ को. ठीक हो गया. मोर स्पेसिफिकली स्टेटेड द ताबा अप्रोच बिलीव इन अलाइंग द करिकुलम टू बी डिवेलप्ड एंड ऑथर्ड बाय द यूज़र. ठीक है, कहता है कि ताबा ने क्या, ताबा के क्या बिलीव था, उसने अलाउ किया था करिकुलम को कि वो डेवलप हो गया ना, लेकिन उसको जो है वो ऑथराइज कौन करें, टीचर करें. ठीक हो गया. अंडर द ताबा मॉडल टीचर्स आर एक्सपेक्टेड टू बिगिन ईच करिकुलम बाय क्रिएटिंग स्पेसिफिक टीचिंग लर्निंग यूनिट्स एंड बिल्डिंग टू अ जर्नल डिज़ाइन. मतलब कि उसके मॉडल के मुताबिक उसके बिलीव क्या था कि ताबा मॉडल जिसमें टीचर्स जो हैं वो एक्सपेक्टेड हों बिगिन करने के लिए करिकुलम को, क्रिएट करने के लिए भी करिकुलम को, उसमें स्पेसिफिक टीचिंग भी इंक्लूड हो सकती है, लर्निंग यूनिट्स भी, और फिर वो उसको जर्नल डिज़ाइन की तरफ, मीन कि टीचर का ही काम है उसको स्पेसिफिक से स्टार्ट करके जर्नल की तरफ लेके जाना. टीचर का ही काम है क्रिएट करना स्पेसिफिक टीचिंग लर्निंग यूनिट्स को, बिल्ड करना जर्नल डिज़ाइन को, बिल्ड करना स्पेसिफिक डिज़ाइन को. ऑल चीज़ें जो हैं वो टीचर पे, उसने इस पर डिपेंड कर दी थी कि टीचर ही सेंट्रल रोल है, उसने ही बिल्ड करना है, उसने ही क्रिएट करना है. ठीक हो गया. आगे हवाजा अख्तर और मिर्ज़ा ने क्या चीज़ कही थी ताबा के मॉडल के बारे में, कहता ताबा मॉडल वाज एन अटेम्प्ट टू इंश्योर दैट डिसीजन अबाउट करिकुलम आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ वैलिड क्राइटेरिया एंड नॉट विम और फैंसी. इसके मॉडल के बिना पर मिर्ज़ा, हवाजा और अख्तर ने यह चीज़ कही थी कि डिसीजन जो होते हैं करिकुलम के बारे में वो बेसिकली वैलिड क्राइटेरिया होते हैं, ना कि फैंसी और विम होते हैं. ठीक हो गया. हर मॉडल ऑफ डिवेलपिंग अ करिकुलम कंसिस्टेड ऑफ 7 मेन स्टेप एंड ओवर द ईयर. दीज 7 स्टेप्स हैव फॉर्म द बेसिस ऑफ हिल्डा ताबा. कहते हैं कि इसके मॉडल के मुताबिक 7 स्टेप होते हैं करिकुलम को डेवलप करने के लिए जो कि पूरा साल चलते हैं. वो 7 स्टेप कौन से हैं हम देखते हैं जी. तो दिस सॉल्यूशन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट हिल्डा ताबा एंड हर सजेस्टेड अप्रोच टू करिकुलम डेवलपमेंट. इट ऑल्सो इंक्लूड इन्फॉर्मेशन अबाउट 5 ऑफ ताबाज मेन एलिमेंट्स रिक्वायर्ड वन डेवलपिंग अ करिकुलम. द सोल्यूशन इज रेफरेंस्ड. इसमें उसने सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया था हिल्डा ताबा ने, और सजेस्ट भी किया था उसने अप्रोच को
करिकुलम डेवलपमेंट से रिलेटेड उसने इंक्लूड भी की थी इन्फॉर्मेशन को. 5 उसने मेन एलिमेंट्स भी बताए थे अपने मॉडल के, और उसमें उसने आल्सो सॉल्यूशन भी रेफर किया था कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए हमारी एट दी एंड तो हम लोग किस तरह से उसको फाइनलाइज कर सकते हैं. जी तो वो 7 स्टेप कौन से हैं? फर्स्ट है जी डायग्नोसिस ऑफ नीड्स, सेकेंड इज फॉर्मुलेशन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव, थर्ड इज सिलेक्शन ऑफ लर्निंग कंटेंट, फोर्थ वन इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग कंटेंट, फिफ्थ वन इज सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, सिक्स्थ वन इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज, एंड सेवन्थ वन इज इवेल्युएशन एंड मींस ऑफ इवेल्युएशन. ठीक है, एक तो इवेल्युएशन क्या है और दूसरा इवेल्युएशन का मतलब क्या है. जी तो फर्स्ट है जो डायग्नोसिस ऑफ नीड, तो इसमें क्या चीज बताई गई, द टीचर जिसको हम लोग करिकुलम डिजाइनर भी कहते हैं स्टार्ट द प्रोसेस बाय आइडेंटिफाइंग द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम होम द करिकुलम इज टू बी प्लान्ड. उसमें अब डायग्नोसिस ऑफ नीड्स में सबसे पहले टीचर का क्या काम है कि वो अपने करिकुलम डेवलपमेंट को स्टार्ट करे, उसमें स्टूडेंट्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करे अपने करिकुलम को प्लान करने से पहले. पहला स्टेप इसका ये है. सेकेंड वन इज फॉर्मुलेशन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव, तो इसमें आफ्टर द टीचर हैज आइडेंटिफाइड द नीड्स दैट रिक्वायर अटेंशन ही और शी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव टू बी अकम्प्लिश, कहता है कि जब उसने जो आइडेंटिफाई नीड्स हैं उसने वो कह लो कि आइडेंटिफाई कर ली हैं, मतलब कि जो स्टूडेंट्स की नीड है उसको उसने रिक्वायर अटेंशन के मुताबिक उसने आइडेंटिफाई कर लिया है. अब उसका काम है कि ऑब्जेक्टिव्स को अकम्प्लिश करते, कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं मेरे करिकुलम डेवलपमेंट को उसको अकम्प्लिश करते. थर्ड वन इज सिलेक्शन ऑफ लर्निंग कंटेंट, अब उसने मवाद क्या क्या डालना है वो चीज़, अब इसमें द ऑब्जेक्टिव सिलेक्टेड और क्रिएटेड सजेस्ट द सब्जेक्ट मैटर और कंटेंट ऑफ द करिकुलम, कहते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव सिलेक्टेड होते हैं और जो हमारे क्रिएटेड सजेस्ट जो सब्जेक्ट मैटर होते हैं वो बेसिकली हमारे सजेस्ट करते हैं कंटेंट को करिकुलम के. तो नॉट ओनली शुड ऑब्जेक्टिव एंड कंटेंट मैच बट ऑल्सो द वैलिडिटी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द कंटेंट चूजन नीड्स टू बी डिटरमाइंड, कहते हैं कि इसमें ये चीज़ इंक्लूड नहीं होती कि भाई जी बस कंटेंट मैच होते हैं, कहते हैं कि इसमें वैलिडिटी भी देखी जाती है, सिग्निफिकेंस भी देखा जाता है हर एक चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए. आगे है जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग कंटेंट, तो इसमें टीचर कैन नॉट जस्ट सेलेक्ट कंटेंट बट मस्ट ऑर्गेनाइज इट इन सम टाइप ऑफ सीक्वेंस, कहते हैं कि इसमें सिर्फ ये नहीं है कि टीचर सिर्फ और सिर्फ कंटेंट को सेलेक्ट कर दे, बल्कि ये चीज भी बताए कि इसमें कौन सी टाइप जो है सीक्वेंस की वो यूज हो रही है. तो टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द मैच्योरिटी ऑफ द लर्नर्स, देयर एकेडमिक अचीवमेंट्स एंड देयर इंटरेस्ट, मतलब कि उसमें क्या क्या चीजें देखी जाए, लर्नर की मैच्योरिटी देखी जाए, उनकी एकेडमिक अचीवमेंट्स देखी जाए और उनका इंटरेस्ट भी देखा जाए. ना सिर्फ कंटेंट को सिलेक्ट करने से काम नहीं बनता, उसमें तीन चीज़ें भी देखी जाए, एक तो देखी जाए मेजोरिटी ऑफ लर्नर, दूसरा एकेडमिक अचीवमेंट और तीसरा इंटरेस्ट ऑफ लर्नर. अगला है जी सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, तो इसमें कंटेंट मस्ट बी प्रेजेंटेड टू प्यूपल एंड प्यूपल मस्ट इंगेज द कंटेंट, कहते हैं कि जब आप लोग कंटेंट बना रहे हों तो उसमें प्यूपल्स को मस्ट उसमें आप लोग मशगूल करें, इंगेज करें. और ये चीज़ तो बहुत ज़रूरी है कि भाई आप लोगों के लिए ये कंटेंट बन रहा है, आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे. ठीक है, एट दिस पॉइंट द टीचर सेलेक्ट इंस्ट्रक्शनल मेथड दैट विल इन्वॉल्व स्टूडेंट विद द कंटेंट, इसमें जो है वो टीचर्स जो है वो इंस्ट्रक्शनल मेथड यूज़ करें स्टूडेंट को इन्वॉल्व करने के लिए कंटेंट. ठीक हो गया जी. तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज के स्टेप में क्या चीज़ होती है, कहते हैं कि जैसा कि जस्ट एज कंटेंट मस्ट बी सीक्वेंस, जैसे कि हम लोग कंटेंट को सीक्वेंस वाइज चलते हैं, ऑर्गेनाइज करके चलते हैं, तो इसी तरह हम लोग अपनी लर्निंग एक्टिविटीज़ को भी हम लोगों को सीक्वेंस और ऑर्गेनाइज करना पड़ता है. ऑफन द सीक्वेंस ऑफ द लर्निंग एक्टिविटीज़ इज डिटरमाइंड बाय द कंटेंट, कहते हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम लोग अपनी लर्निंग एक्टिविटीज़ को सीक्वेंस में लाते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वो डिटरमाइन होती है हमारी बाय द कंटेंट. तो कहता है कि इसमें लेकिन इसमें साथ साथ टीचर को ये चीज़ भी देखनी पड़ती है कि वो भी पार्टिकुलर स्टूडेंट्स को पार्टिकुलर सब्जेक्ट जो भी पढ़ा रहा है तो उसको ये चीज़ भी देखना पड़ती है कि किस बच्चे को किस चीज़ की इस सब्जेक्ट के दौरान ज़रूरत है. तो ये चीज़ जो है वो टीचर का काम है कि बट द टीचर नीड्स टू कीप इन माइंड द पर्टिकुलर स्टूडेंट्स हुम और ही और शी विल बी टीचिंग, मीन उसको इस सब्जेक्ट में किस टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज की ज़रूरत है, तो ये टीचर का काम है इसको नॉलेज में रखना. आगे है इवैल्यूएशन एंड मींस ऑफ इवैल्यूएशन, तो करिकुलम प्लानर मस्ट डिटरमाइन जस्ट व्हाट ऑब्जेक्टिव हैव बीन अकम्प्लिश्ड, कहते हैं कि इसमें करिकुलम प्लानर जो कि टीचर है उसी का काम है डिटरमाइन करना कि क्या ऑब्जेक्टिव जो हैं वो कितने अकम्प्लिश हो चुके हैं, मीन कितने अचीव हो चुके हैं. तो इवैल्यूएशन प्रोसीजर्स नीड टू बी कंसीडर्ड बाय द स्टूडेंट एंड टीचर, कहते हैं कि जो इवैल्यूएशन का प्रोसीजर होता है
उसमें हम लोग कंसिडरेशन स्टूडेंट की भी करते हैं और एज वेल एज टीचर्स की भी करते हैं। तो होप सो आपको आज का लेक्चर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। हिल्दा ताबा के 7 स्टेप्स जो थे उसके मॉडल के, वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।